हाय, मैं नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। ब्रजभूषण सिंह का दबदबा या दबे दबे गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टाफ क्यों ट्रेंड कर रहा था, दिल्ली मेट्रो में सीट मिलने को लेकर लोगों ने क्या कहा, और पिक ऑफ द डे में देखिए मोटिवेशनल बॉडी बिल्डर को। आज आपको सुनाते हैं एक किस्सा। एक राजा था, राजा वैसे ही था जैसे राजा होते आए हैं। राजा को सोने का बड़ा शौक था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ये बात फैला रखी थी कि वो बहुत काम करता है, सोता बहुत कम है। लेकिन राजा के महल के बगल में एक लोहे के बर्तन बनाने वाला था, दूसरी तरफ था लकड़ी का काम करने वाला। दोनों जब काम करते तो बहुत खटपिट होती, राजा सो नहीं पाता था। तो उसने उन दोनों को बुलाया, कहा तुम दोनों अपने घर बदल लो, तुम्हारे कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। राजा का ऑर्डर था, ऑब्वियसली मानना पड़ता। उन दोनों ने बात मान ली, घर बदल लिए। अब लकड़ी का काम करने वाला लोहे का काम करने वाले के घर पे रहने लगा, और लोहे का काम करने वाला लकड़ी के काम करने वाले के घर चला गया। राजा की बात भी मान ली गई, आज्ञा का पालन भी हो गया, वो दोनों भी बच गए, जान बच गई, किस्सा खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया। आगे की खबरों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मजेदार किस्से आपको सुनने हैं, तो देखते रहिए सोशलिस्ट। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा ने कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है और टिकट उनके ही बेटे को दे दिया है। विद्वान कंफ्यूज हैं कि इसे दागी नेताओं के खिलाफ भाजपा का कड़ा कदम माना जाए या परिवारवाद के खिलाफ। वैसे होगा परिवारवाद के खिलाफ ही, क्योंकि ब्रजभूषण के दूसरे बेटे प्रतीक भूषण सिंह भी भाजपा से विधायक है। भाजपा का सिंपल है, परिवारवाद के खिलाफ है वो पार्टी। एक ही परिवार में इतने लोगों को टिकट दे देनी है कि सब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जनता की सेवा ही करते रह जाएं, किसी के पास परिवार को देने के लिए समय ही ना बचे, तो परिवारवाद कहां से बचेगा। अब बीजेपी की ओर से कैसरगंज से करण भूषण सिंह लड़ेंगे। करण डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। करण जी को बधाइयां, निशाना सटीक लगा है। खैर, नतीजा ये रहा कि रायबरेली से भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह और करण भूषण सिंह का नाम टॉप ट्रेंड्स में नजर आया। राजनीति तो होनी थी, हुई भी। शिवसेना नेता ने लिखा कि बाप ब्रजभूषण सिंह की टिकट बेटे को, ऐसे ही महिलाओं को इंसाफ देने की बात करते हो, इसकी टोपी उसके सर करते हो, जनता की आंखों में धूल झोंकते हो, शर्मनाक। समर्थकों ने जाति अभिमान दिखाया कि राजपूत हूँ, राजपूती शान रखता हूँ, बाहर से शांत हूँ पर अंदर से तूफान रखता हूँ, फिर करण भूषण का नाम लिख दिया। एक ही बात को दो तरीके से कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए। ब्रजभूषण सिंह की दबदबे वाली बात पे काफी आलोचना हुई थी कुछ समय पहले, उसे आज फिर यूज किया गया। किसी ने लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहन बेटी के सम्मान में ब्रजभूषण सिंह का बेटा मैदान में। बीजेपी ने कैसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है, दबदबा कायम। तो किसी ने लिखा बीजेपी ने कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है, दबदबा तो है कैसरगंज में, बाप नहीं तो बेटा सही। वही बात एक यूजर ने अलग तरीके से लिखी, वीडियो लगा कि कहा गया कि फोन आ गया, टिकट कट गया है, दबदबा फुस। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। एक अन्य यूजर ने ऐसे ही कहा कि कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं, अभी यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में ऑस्ट्रेलिया से डिप्लोमा किया है। भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र करण भूषण को कैसरगंज से बनाया है प्रत्याशी, दबदबा तो है भाई। एक यूजर ने लिखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब सांसद से सांसद के बाप हो जाएंगे, उन्नति ही है इनके लिए, तो बेटा सेट हो गया वो अलग, इसे कहते हैं उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। कांग्रेस समर्थकों ने आरोप लगाए, लिखा कि एक ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट बेटे करण को, और ऐसे ही महिलाओं को इंसाफ देने की बात करते हो, इसकी टोपी उसके सर करते हो, जनता की आंखों में धूल झोंकते हो। ये तो वही वाली लाइन जो ऊपर हमने पढ़ी थी वो वाली लिखती है इन्होंने भी। आगे इन्होंने लिखा कि मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए भी वोट मांग रहे हैं, शर्मनाक। घर पर टिकट काट कर घर पर मिलने पे भी मीम आए। ऐसे ही एक ट्वीट और दिखा जिसमें ऊपर वाले एक ट्वीट की सारी बातें लिखी थी, साथ में प्रज्वल रेवन्ना का भी नाम लिखा हुआ था और शर्मनाक कहा गया था। घर पर टिकट काट कर घर पर मिलने पे मीम भी आए। राजपूत ऑफ इंडिया नाम के अकाउंट से कई मतलब लिए ट्वीट आया कि भाई करण भूषण सिंह को टिकट मिलने पे बधाई, लेकिन विरोध भाजपा का जारी रहेगा। ये तमाचा उनके मुंह पर था जो कह रहे थे कि टिकट किसी और को मिलेगी। दूसरा नुकसान कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी की टिकट काटी गई, बस नाराज ना हो नेताजी, इसलिए उनके पुत्र को टिकट दी गई है। रेडिट पर एक सवाल दिखा, पूछा गया था कि क्या चीज एकदम फ्री होनी चाहिए। हमने अपने न्यूज रूम के साथियों से पूछा कि उनको फ्री में क्या चाहिए, देखिए उनके जवाब, सीरियसली मत लीजिएगा, कहना पड़ता है। मुझे चाहिए फ्री पेट्रोल जिससे मैं ऑफिस आ जा सकूं और खूब घूम सकूं अपनी बाइक से। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स फ्री हो जाएं। रतलामी सेव, चाय में सेव, खाने में सेव, सब्जी नहीं बनी सेव, रात में सोने से पहले सेव, उठने के बाद सेव, रतलामी सेव। मेरे ऑफिस आने जाने का खर्चा मुफ्त करवा दो। सैनिटरी पैड,
सोसाइटी के अंदर जो मेंटेनेंस लगती है वो फ्री होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट पे करे तो बढ़िया है मेंटेन करने का। पानी, हम खूब डंड पेलते हैं तो मुझे प्रोटीन फ्री चाहिए। फल, फ्रूट्स। ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं लगनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी ड्रोन उड़ा लो और बढ़िया 4K विजुअल्स ले लो। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो करोड़ों रुपए के होते हैं, स्पेशली वो मसल अट्रोफी करके एक बीमारी है उसमें 14 करोड़ का इंजेक्शन लगता है, ऐसे इंजेक्शन फ्री कर देने चाहिए सरकार को लोगों के लिए। सबके लिए इंटरनेट फ्री होना चाहिए, इंसुलिन फ्री होनी चाहिए सभी के लिए, चिकित्सा, पीने का पानी। यूट्यूब से ऐड हटवा दो यार, फ्री करवा दो, मेरे घर का रेंट फ्री करवा दो यार, सारा पैसा उसी में चला जाता है। चाहे और अगर बात मेरी हो तो मुझे तो टोल टैक्स से बड़ी खुन्नस रहती है, वो नहीं होना चाहिए। एक बार में ले लो जितना पैसा लेना है, ये रोज रोज का नाटक नहीं झेला जाता। आपको टोल टैक्स लेना है तो गाड़ियां महंगी कर दो, 5 लाख 10 लाख एक बार में ही ले लो, कर लो कैलकुलेट कि एक गाड़ी इतने साल में इतना चलेगी उसका इस हिसाब से टोल टैक्स बनेगा। गाड़ी महंगी होगी तो सब लोग लेंगे नहीं, उसकी जगह पर आप ये कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन रोज रोज की चिक चिक बंद हो जानी चाहिए। बहुत दिन बाद सोशल मीडिया में बहुत ही मजेदार ट्रेंड दिखा, ये ट्रेंड था गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और ऐसे ऐसे पोस्ट आए कि आपको लगेगा कि दुनिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और हम बस यहाँ रह रहे हैं। मामला शुरू से बताता हूँ वरना फन चला जाएगा। हुआ ये कि ग्रेटर नोएडा की इस यूनिवर्सिटी के बच्चे पहुँचे थे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के दफ्तर सामने प्रोटेस्ट करने, वहाँ आज तक के एक रिपोर्टर भी थे। अब जो होना था वही हुआ, प्रदर्शन करने वाले बच्चों से रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो, आपकी मांगे क्या है, आप इधर क्यों जुटे हो। बच्चे जवाब ही नहीं दे पाए, यहाँ तक कि अब कहोगे ठीक है चलो बच्चों को पॉलिटिक्स का उतना ज्ञान नहीं होता है, चलता है ठीक है, लेकिन जब पत्रकार ने इनको प्लेकार्ड जिसको कह रहे थे वो प्लेकार्ड पढ़ने को कहा जो वो लेके आए थे अपने साथ, बच्चे वो भी नहीं पढ़ पाए, हिंदी में भी नहीं पढ़ पाए, अंग्रेजी में भी गड़बड़ कर पाए, मतलब कर गए। ये प्लेकार्ड हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थे, कैसे कैसे पढ़ा गया, क्या कुछ हुआ, थोड़ी सी एक क्लिप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात करें, मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। से नो टू फेयर फाइटर, इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत, क्या मतलब? पाकिस्तान के वो पत्रकार याद हैं जिनको पूरा ट्विटर अर्बन नक्सल का सही मतलब समझा रहा था, उनको समझ में नहीं आया था, शायद सब लोग गलत मतलब ही बताते नजर आ रहे थे। अब जाकर गलगोटिया के छात्रों ने सही मतलब बताया है, अर्बन मैक्सवेल। पहले तो ये क्लिप ट्विटर पे दौड़ी, फिर आने लगी मीम्स। मजेदार बात ये थी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हैशटैग के साथ गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टाफ हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाले अनिल मसीह की तस्वीर लगा के लिखा कि ये गलगोटिया के चीफ एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स की तस्वीर लगा के लिखा गया कि टॉप एग्जामिनर्स फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम्स एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। बहुत ही गलत अंग्रेजी पढ़ाने वाली एक टीचर की वीडियो लगा के लिखा गया कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इंग्लिश टीचर है। आज़ादी लीज में मिली है वाली हमारी ही क्लिप लगा के लिखा गया कि ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री टीचर है, मतलब क्लिप हमारी नहीं थी, हमारे प्लेटफॉर्म की थी, नेता कहीं और की थी। आपने देखा ये क्या ही समझा रहा हूँ, फिर भी कहना पड़ता है, कह देंगे हमारी, आप हो गए इनके लड़ो, समझ रहे हो ना क्या होता है सोशल मीडिया पर, इतनी सफाई देनी पड़ रही है, यही नहीं पसंद है मुझको। खैर, गो कोरोना गो जैसा अचूक और कालजयी नारा देने वाले रामदास आठवले की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि हेड ऑफ वैक्सीन रिसर्च एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी है क्या, ऐसा भी लिखा गया। प्लेन बीए वाली तस्वीर फिर से हमारी, और फिर से वही कि हमारा बंदा नहीं था, हमारे प्लेटफॉर्म पे था, उसकी तस्वीर भी लगाई गई। कंगना रनौत को गलगोटिया का हिस्ट्री टीचर बता दिया गया। बात यही है, चलिए ठीक है आपको घूमने फिरने जाना है, आप जल्दी प्रोटेस्ट में, लेकिन कम से कम बेसिक हिंदी और अंग्रेजी तो पढ़ लो यार। आपको नहीं पता पीएम कौन है, सीएम कौन है, कब चुनाव है, आपका विधानसभा क्षेत्र है क्या, लोकसभा क्षेत्र क्या है, ठीक है मत पता कर पाओ, पढ़ो तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म भी तो। दिल्ली एनसीआर में अगर कभी सर्वे हुआ कि कहां सबसे ज्यादा रील्स बनाई जाती हैं तो पहले नंबर पर आएगा कनॉट प्लेस का नाम, दूसरे नंबर पर शायद किसी पार्क का या सुंदर नर्सरी का नाम आए, और तीसरे नंबर पर आएगी दिल्ली मेट्रो। आजकल हुआ तो फिर शायद
पीतमपुरा काम आ जाए, लेकिन सदाबहार तो यही जगह है। मेट्रो के अंदर इतनी ज़्यादा रील बनने लगी कि मेट्रो वालों को ही यहाँ रील बनाना मना है टाइप पोस्टर लगाने पड़ गए। और हम सबको पता है कि जहाँ कुछ मना होता है करना, वहीं हम भारतीय सब कुछ करते हैं। मेट्रो में हम सिर्फ रील नहीं बनाते, सफ़र भी करते हैं। इसी सफ़र का एक सवाल रेडिट पर पूछा गया। सवाल था, मेट्रो सीट पर बैठने पर कैसा लगता है। सवाल थोड़ा रिलेटेबल लगा सिर्फ मुझे नहीं, रेडिट की जनता को भी। क्या तो मज़ेदार कॉमेंट्स आए। एक यूजर ने लिखा गेम ऑफ थ्रोन्स की तस्वीर लगाकर, लिखा कि ऐसा ही कुछ। एक यूजर ने कहा पावरफुल पर डर लगता है कि अभी कोई आके उठा देगा। एक यूजर ने कहा कि नर्वस, कहीं कोई उठा ना दे, आंख बंद करके सोने की एक्टिंग करता। एक यूजर ने कहा कि सीट मिलने पे लगता है कि कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। ऑब्वियसली वही बात, अब बात मेरी अगर कर ली जाए, मैं बस मतलब भर का बूढ़ा होने का इंतजार कर रहा हूँ इतना कि वयस्कों वाली सीट पर बैठे लोगों को हक से उठा सकूँ। उतनी ही पावर चाहिए मुझको और कुछ नहीं चाहिए। बाल तो वैसे भी देख ही रहे हो आप, सफ़ेद होने लगे हैं। जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, लेकिन नौकरी से निकाले जाना हर भाषा में, हर क्षेत्र में, हर बोली में, हर द्वीप में, हर महाद्वीप में एक खौफनाक क्रिया है। सालों से हम मास ले ऑफ की खबरें सुनते रहे हैं। फला कंपनी कुछ हज़ार कर्मचारियों को निकाला। लोगों के लिए एक नंबर होता है, लेकिन जिसकी नौकरी गई है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। खबर आई, बताया कि अमेरिका के एक व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करते थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 22 साल से वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे, लेकिन निकाले जाने के बाद वो बतख पालने वाले बन गए। ट्वीट देखिए, लिखा था ब्रो वाज फायर्ड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट आफ्टर 22 इयर्स ऑफ सर्विस, डिसाइडेड टू बिकम अ गूज फार्मर नाउ। गूज का ट्रांसलेशन किया है, वो ऐसा अजीब सा पक्षी होता है कि क्या ही कहूँ, बतख ही कहूँगा मैं। आप लोग बतख से ही काम चलाओ, वैसे बेचारे को मारा ही जाना होता है, तो बतख हो या गूज हो क्या फ़र्क पड़ता है। साथ में तस्वीर लगाई गई उनके लिंक्डइन पेज की, जिसमें लिखा था कि उन्होंने 22 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, उससे पहले 7 साल HP में काम कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो फायर नहीं किए गए थे, उन्होंने खुद रिजाइन किया। मामला कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने नौकरी का टंटा छोड़ा और पैशन फॉलो किया। इससे बेहतर क्या हो सकता है। बस वो गूज मारे जा रहे हैं फालतू में नौकरी के चक्कर में। नौकरी में रहते तो कैशे क्लियर करते, हिस्ट्री डिलीट करते, ऐसा कुछ करते, गूज गरिया रहे होंगे। ऊपर से मैंने बतख कह दिया उनको। पिछले साल अंकित बयानपुरिया ने पूरे देश को सामूहिक रूप से बताया कि 75 हार्ड चैलेंज क्या होता है, कैसे करना है। उसके बाद तो फिर 75 हार्ड चैलेंज की इंस्टाग्राम पर भीड़ आ गई। ज़्यादातर तो लोगों ने अपना जीवन अच्छा किया, अपनी सेहत अच्छी की, लेकिन हमारे देश की जनता को एक्सपेरिमेंट करने मज़े आते हैं। उनने कॉन्टेंट पर ही एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिया। अपने बच्चों के रोने खेलने सुसुपाटी करने तक को व्लॉग्स के रूप में दिखाने वाली जनता ने 75 हार्ड चैलेंज वाले फॉर्मेट और व्लॉग्स का ऐसा कॉकटेल बनाया कि कभी कभी लगता है कि लोगों को इतना क्रिएटिव भी नहीं होना चाहिए, इतनी क्रिएटिविटी से भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे एक रील में एक यूजर ने भूत बनकर ही व्लॉग बना दिया, देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूत एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। रात के 8:30 बज चुके थे और मेरे उठने का टाइम हो गया था। उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ, मैंने ब्रश वगैरह किया। ब्रश करने के बाद आज था मेरा लेग डे, मैंने स्क्वाट्स मारी और बकरे का खून पी के अपनी प्रोटीन इंटेक करी पूरी। फिर मैंने मेरी गर्लफ्रेंड आयन से बात करी, फिर मैं काम पे जाने के लिए रेडी हो गया। काम पे जाने के लिए दोस्तों थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि पास वाले मंदिर में हनुमान चालीसा चल रही थी। फाइनली दोस्तों मैं काम पे पहुंच गया था और मुझे आज जिस बच्चे को डराना था उसके दरवाजे के पीछे छुप के मैं उसका वेट करने लगा। करीबन 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली उसने मुझे देखा और मुझे डर के भाग गया, और ऐसे मेरे आज का टारगेट हुआ पूरा जो मुझे मैनेजर ने दिया था। और सही बात बताऊं तो मुझे बड़ा मजा आता है जब बच्चे मुझसे डर के भागते हैं। सुबह के 6 बज चुके थे, फिर मैं घर पहुंच गया। ये रही आज की सेल्फी, हैशटैग डरना जरूरी है। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे अच्छे व्लॉग की। अभी हमने थोड़ा अजीब और अति क्रिएटिव व्लॉग दिखाया, अब दिखाते हैं थोड़ा जरूरी व्लॉग जो हमें और आपको देखना चाहिए। इंस्टाग्राम में एक अकाउंट है जिसका नाम है सूरज और यूजर नेम है SURAJGAYWL.15। सूरज का एक हाथ है, दोनों पैर भी कटे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी सूरज ने हार नहीं मानी। बॉडी बिल्डिंग करने लगे, 75 हार्ड चैलेंज कर रहे हैं, उसका 38वां दिन चल रहा है। सूरज मेहनत कर रहे हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। और देखते रहिए सोशल लिस्ट। आज के शो में इतना ही, फिलहाल के लिए चले टाटा।